अच्छा खेला, उनको नीचे खिला दी है वहाँ पे, लेकिन नो मैन्स लैंड में जाकर ये गेंद गिरी है। और तब तक बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 91 बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। चंडीगढ़ टाइटंस ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अच्छी खासी धूप मैदान पर देखी जा सकती है, लेकिन इस बार दाब लगाकर गेंद को पकड़ना चाहते थे। उनकी पहुंच से गेंद काफी दूर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर भी जाएगी, देकर जाएगी 4 रन। और इस चौके के साथ चंडीगढ़ टाइटंस एक अच्छी पोजीशन में अब जाते हुए यहाँ पे इस पार्टनरशिप में अच्छा खासा स्कोर की तरफ लेकर जाते हुए 38 गेंदों में 33 रन की पार्टनरशिप अभी तक देखने को मिली है। अच्छी सोच भूत के साथ यहाँ पे दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए जानते हैं यहाँ पे किस परिस्थिति में यहाँ पर सिंगल छोड़ना नहीं चाहते, और इस बार इस गेम को खेलना जरूर। सामने खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेम को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 99 बनी अभी तक 3 विकेट के नुकसान पर। 11.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ अभी तक। अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे वहां, लेकिन देखा खिलाड़ी गेंद पर झुट्टा लगा रहे, वापस अपने कदम खींचे करीज पर, कोई नुकसान नहीं। सिंगल के लिए इस गेम को निकाल दिया है, जब तक गेम को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। बात की जाए यहाँ पे तो अभी 12 ओवर्स के बाद 99 रन्स बने अभी तक, 12 ओवर्स के बाद 99 रन्स बने, और 3 खिलाड़ी जो हैं आउट होके वापस लौट चुके हैं पवेलियन में।
अगली गेंद, क्या खूबसूरत गेंद थी वहां पे, ये बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्लेबाज के चारों खाने चित किए यहाँ पे। ये गेंद बार बार देखने का मन करेगा, ये देखिएगा ये गेंद किस तरह से घूमी है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ, और बल्लेबाज वहाँ पर देखते ही रह गए कुछ देर तक। एक बार फिर से तैयार हो रहे, डीसी की अगली गेंद, फिर से चकमा दिया, अपील कर रहे हैं वहां पे, लेकिन नकार दिया अंपायर ने, अंपायर ने नकार दिया फिर से। अंपायर का कहना है कि गेंद विकेट के साथ बैट के साथ कोई तालमेल नहीं। इस बार गेंदबाज का कहना था कि गेंद जो है वो बल्ले से लगी है, लेकिन ऐसा था नहीं, वहां पे नकार दिया। बल्लेबाज आपस में बात तालाब करते हुए, फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी तक इस बार फिर से इस गेंद को उठाकर खेला है, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद, निन्यानवे रन बने हैं तीन विकेट के नुकसान पर, 12 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेला जरूर, वहां खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। निन्यानवे तीन विकेट के नुकसान पर 12 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। चंडीगढ़ टाइटंस इस बार सम्मान दिया बॉलर की तरफ, खेला गेंद को, किसी भी रन्स की कोई संभावना नहीं। 12 ओवर्स के बाद बने हैं 99 में तीन विकेट के नुकसान पर, तीन खिलाड़ी जो है आउट होके वापस लौट चुके हैं पवेलियन में। निन्यानवे संसार वाली 44 पर खेल रहे हैं, 37 गेंदों का सामना किया अभी तक, और रोबिल की बात करें तो उनका अच्छा साथ दिया आज रोबिल ने। जिस तरह से रोबिल ने आज साथ दिया यहाँ पे, संसार वाली लगातार इस टूर्नामेंट में अच्छे रन्स बनाते हुए बढ़िया कारकर्दगी अभी तक रही है इस खिलाड़ी की। 12 रन्स बने हैं केवल अभी तक, 12 ओवर्स समाप्त हुए हैं। कार्ड काफी पीछे चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर थी यहाँ पे, अब ठीक कर दिया गया है।
109 रन बने हैं, 4 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। इस बार ऊंचा खेला है, सीधे फील्डर के पास गेंद और इसके साथ ही एक और विकेट यहां पे, और काफी समय के बाद ये विकेट यहां पे गिरा है। अब काफी ऊंचा खेला था और सीधे फील्डर के पास गेंद, देखिएगा पहली गलत जगह पे खड़े थे आप, ये देख सकते हैं खुद से दूर थी गेंद और उस पर अब बल्ला अड़ाएंगे, ऊंचा स्ट्रोक खेलेंगे तो फिर खिलाड़ी वहां पे तैनात थे, कोई गलती नहीं करी उन्होंने। और इसके साथ ही एक और खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटता हुआ अपर प्लेन में, चौदह ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। चंडीगढ़ टाइटंस ने बनाए हैं 109 रन अभी तक चंडीगढ़ टाइटंस ने बनाए और 4 विकेट आउट होके वापस लौट चुके हैं अभी तक चंडीगढ़ टाइटंस की बात करें तो आज इस मैदान पे जो रन्स बने हैं जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाए, तो यहां पे जो शुरुआत थी आज काफी खराब शुरुआत करी थी, उसके बाद एक अच्छी पारी यहां पर संसार बाली ने एक और बेहतरीन पारी आज खेली है इस मैदान पे। एक सौ नौ और इस बार वहां पे हल्के हाथों खेला थर्ड मैन की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का।
चंडीगढ़ टाइटंस थोड़ा सा स्कोर अपडेट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। शायद क्रिकेट रोज में कुछ प्रॉब्लम होगा यहाँ। और इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर, ये गेंदें घूमती हैं इस गेंदबाज की। पिछला ओवर भी देखा था मैंने इस गेंदबाज का, अच्छा खासा ये कलाइयों का उपयोग करते हैं अपने 10 नंबर की जर्सी पहने हुए। ये देखेगा, और इस बार फिर से बल्लेबाज को चकमा दिया। लेग की तरफ गेंद को पिच करते हैं और ऑस्टम की तरफ गेंद जाती हुई नजर आती है यहाँ पे। और इस बार फिर से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, लगातार बल्लेबाज के चारों खाने चित किए जा रहे हैं यहाँ पे अनिल के द्वारा। शायद इन्होंने टी शर्ट किसी और की पहनी हुई है। माफ कीजिएगा क्योंकि अभी स्कोर जो है वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। अगली गेंद, स्कोर अपडेट अभी हो नहीं रहा है और तब तक हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, स्कोर नहीं बता पाएंगे जब तक अपडेट नहीं होता अच्छे से। फिलहाल अभी तक अच्छी गेंदबाजी यहां पे देखने को मिल रही है, देखना होगा कितना टारगेट यहां पे सेट किया जाएगा। मिड विकेट की ओर इस गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। और एक बार फिर से प्रहार किया है, सामने गेंद जाकर लगेगी साइड स्क्रीन के पास, 4 रन का इशारा अंपायर का।
125 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। एक सौ पच्चीस बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, आज अगर किसी ने गेंदबाजी की है तो वो इस गेंदबाज ने करी। यहाँ पे मज़ा आया इस गेंदबाज की गेंदें देखने का, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी अभी तक का। चंडीगढ़ टाइटंस 125 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। पारी का कुल मिलाकर 18वां ओवर जो इस समय प्रगति पे चलता हुआ। SBCL T20-21 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉट, वर्ल्ड का नंबर 1 हेलमेट जो है, और कंपनी इस साल कुल मिलाकर ये 60वां साल बना रही है, यानी 60 साल हो चुके हैं आपके बीच आपकी मनपसंद हेलमेट बनाते हुए। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज हर साल की तरह इस साल भी किया जा रहा है, लेकिन इस साल टूर्नामेंट जो है ये महाजन क्रिकेट ग्राउंड में चल रहा है। और इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है YSC NSS और BDM ने। और इस टूर्नामेंट के जो हमारे मेन, अगर बात करें कंपनी के जो हमारे MD साहब हैं मिस्टर राजीव कपूर जी और उनकी पूरी टीम का, इस टूर्नामेंट का सारा श्रेय जाता है। खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है और इस बार इस गेंद को ऊंचा खेला है, लेकिन खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। अगली गेंद ऑस्टम से बाहर, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस बार खेलना चाहते थे कहीं और, लेकिन गेंद जो है उनसे दूर जाती हुई।
18 ओवर्स के बाद 129 छह विकेट के नुकसान पे। अभी तक स्कोर की बात करें, 18 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ, 19वें ओवर का खेल शुरू होता हुआ। इस बार इस गेंद को ऊंचा खेले हैं, गेंद काफ़ी ऊंची गई है, नीचे खिलाड़ी हैं लेकिन उनके सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। इस तरह के इवेंट जब आप करवाते हैं तो उसमें जो है कि आपके एनर्जी लगती है और समय भी लगता है साथ साथ, और इस बार इस गेंद को निकाल दिया ज़रूर, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया वापस, जब तक थ्रो किया जाए बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 136 बने हैं अभी तक, कुल मिलाकर 6 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। और यहाँ अभी भी एक अच्छा टारगेट बनाया जा सकता है क्योंकि 21-21 ओवर का मैच खेला जाता है ये, और इस 21-21 ओवर्स में कम से कम 190 रन का टारगेट यहां पर दिया जाता है इस मैदान पे, और यहां पे देखना होगा। इस बार अपील करी थी लेकिन अंपायर ने उस अपील को नकार दिया। अट्ठारह दशमलव तीन ओवर का खेल समाप्त हुआ है। नंदराज शर्मा ने अभी तक 6 गेंदों का सामना किया है और इस बार बैक टू बॉलर खेला है, सामने खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। चंडीगढ़ टाइटंस ने बनाया अभी तक 137 छः विकेट के नुकसान पर। 6 खिलाड़ी जो आउट होकर वापस लौट चुके हैं अभी तक पवेलियन में, और जिस तरह से आज शुरुआत करी है यहाँ पे इस मैदान पे, क्या 180-190 के आसपास से टारगेट जाएगा। और इस बार जिस तरीके से वहां पे बल्लेबाजी हो रही है, 6 रन का इशारा भी अंपायर का आता हुआ, इस छक्के के साथ काफी तेजी के साथ जो है स्कोर आगे बढ़ता हुआ 143 बन चुका है 6 विकेट के नुकसान पे। 143 बना अभी तक, 6 खिलाड़ी जो है आउट होकर वापस लौट चुके हैं। 18.5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है फिलहाल अभी तक, और यहां पर एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। 143 हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक स्कोर, और यहां से आगे किस तरह से जाएगा अभी समय बताएगा। फिलहाल संसार बाली जो है 67 पर आज भी खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, अभी तक बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है इस बल्लेबाज ने। नंदराज शर्मा ने 7 गेंदों का सामना किया है, 3 रन बनाए, लेकिन संसार बाली इस कड़क धूप में जो है मैदान को समझ चुके हैं, पिच की परिस्थितियों को समझ चुके हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रन बनेंगे, और उसी तरह से यहाँ पर गेंदबाजों का सामना करते हुए सिंगल के साथ रोटेट कर रहे हैं। जब खराब गेंद मिलती है तो उसको बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा देते हैं 6 रन के लिए। तो फिलहाल
अगली गेंद खेलने के तैयार। इस बार इस गेंद को खेल दिया है, सामने खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन दर्शक बने रहेंगे। यहाँ पे संसार बाली को रोकना आसान नहीं होगा आज इस मैदान पे। 19 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 19 ओवर के बाद स्कोर की जो संख्या है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई 147 पहुंच चुकी है। 6 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 7वें विकेट के लिए अभी तक हो चुकी है। अर्जुन गेंदबाजी के मोर्चे पे आए हैं। चंडीगढ़ टाइटंस ने 147 बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे। इस बार इस गेंद को खेला जरूर है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों ने चहलकदमी करके रन पूरा किया। 148 बने 6 विकेट के नुकसान पर। 19.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 20वें ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। 3री मरतबा अर्जुन तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी के मोर्चे पे। अर्जुन सल्होत्रा ये गेंद, इस बार खेला जरूर, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद। गेंद को फील्ड किया गया। 149 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक स्कोर पहुंचा है। बैक टू बॉलर खेला और सीधे जाकर गेंद गेंदबाज के हाथ में जाके लगी है और कैच लपक लिया उन्होंने वहां पे, तो इसके साथ ही 7वां खिलाड़ी आउट होता हुआ, 7वां खिलाड़ी भी अब आउट होके वापस लौटता हुआ पवेलियन में।
नए बल्लेबाज क्रीज पर आते ही वहां पे स्ट्रोक खेला और काफी तेजी के साथ रन बटोरा अपनी टीम के लिए। तो इसके साथ ही 150 रन पूरा होता हुआ यहां पे चंडीगढ़ टाइटंस का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया अर्जुन सल्होत्रा ने। आज चल विकेट तो जरूर दिलाया था लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रन के लिए। तो 20 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 20 ओवर के बाद 154 बने हैं 7 विकेट के नुकसान पे। नुकसान पर एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। इस पारी का आखिरी ओवर है। इस बार इस गेंद को खेल दिया वहां पे डायरेक्ट थ्रो लगा वहां पे और अंपायर ने कहा कि जी हां वापस जाना होगा आपको। जी हाँ बिल्कुल फ्रेम में भी नज़र नहीं आए थे कहीं पे। और इसके साथ ही यहाँ पे एक और विकेट आउट होता हुआ। एक सौ छप्पन 8 विकेट के नुकसान पे। हाँ
चंडीगढ़ टाइटंस ने बनाए 165 आठ विकेट के नुकसान पे। अभी तक स्कोर की बात की जाए तो ऊंचा खेला इस गेंद को, उस तरफ फील्डर मौजूद लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर, गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है। तो इसके साथ ही 21 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 21 ओवर के बाद 169 बने हैं और 170 रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए 21 ओवर में।
तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरी इनिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 169 रन्स बनाए, 170 रन्स का टारगेट चेज करने के लिए मिला। यहाँ पे 21 ओवर में चेज करना होगा यहाँ पे चंडीगढ़ टाइटंस को। तो यहाँ पर दूसरी इनिंग की शुरुआत किस तरह से होगी अभी फिलहाल समय बताएगा, लेकिन यहाँ अभी तक जो टारगेट है चंडीगढ़ टाइटंस का 169 बनाया है। 170 रन्स का जो टारगेट दिया यहाँ पे मैच जीतने के लिए पंजाब रेड बैक्स को, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत करी है आज इसको कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर एक अच्छा स्टार्टअप लेना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी रहेगा आज यहाँ पे। जिस तरह से स्टार्टअप किया है आज पहले इनिंग में शुरुआत में लगा था, लेकिन संसार बाली ने आज एक बार फिर से इस मैदान पर रन की बौछार करी है, क्योंकि वो जानते हैं इस समय विकेट को अच्छे से। इस टूर्नामेंट में इस मैदान में अभी तक बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी संसार बाली ने करी है इस टूर्नामेंट में। SBCL T21 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लगातार ये 8वां सीजन है इस टूर्नामेंट का। और पहली गेंद पॉइंट की दिशा में, शॉर्ट बैक फुट पॉइंट की तरफ, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद, किसी भी रन्स की संभावना को ख़त्म किया पंजाब रेड बैक्स। एक अच्छा टारगेट उसका पीछा करने के लिए इस तपश में, इस तपती हुई गर्मी में, लेकिन इस मैदान पर ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा भी ले सकते हैं आप। धूप भी है और ठंडी हवा भी है और उसका मज़ा भी ले सकते हैं। और इस बार स्ट्रोक लिया वहाँ पे, सीधे सेतरक्षण के पास गेंद पहुँची, कोई मौका नहीं वहाँ पर रन चुराने का। अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही यहाँ पे चंडीगढ़ टाइटंस की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आप शुरुआत में, पावर प्ले में जो विकेट चटकाएंगे अपनी टीम के लिए वो आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। अगली गेंद इस बार तेज निकली, गेंद सीधी पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। पंजाब रेड बैक्स की बात करें अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं, 170 रन की दरकार है, 123 गेंदों का खेल अभी आना बाकी होगा। अगली गेंद का खेल सहार कर रहे हैं गेंदबाजी लेफ्ट आर्म, इस बार पॉइंट और कवर्स के बीच खेलना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाएंगे। गेंद को फील्ड किया वहां पर और किसी रन की संभावना को खत्म किया। SBCL T20 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट और आपके मनपसंद हेलमेट है। और इस बार ऊंचा खेला है और खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और उनसे उनकी पहुंच से काफ़ी दूर रहेगी गेंद और जाएगी सीमा रेखा से बाहर, देकर जाएगी 4 रन। खाता खुलता हुआ यहाँ पे और इस तरह से शुरुआत यहाँ पे करना चाहते थे और उस शुरुआत को यहाँ पर जारी रखते हुए अगर बात की जाए तो 4 रन से हुई ये शुरुआत, 4-5 गेंदे हो चुकी हैं पहले ओवर की। पंजाब रेड बैक्स की बात करें तो अभी तक केवल 4 रन बने हैं, 5 गेंदों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। अगली गेंद का और इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पे सतरक्षण के द्वारा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वापस थ्रो किया जाता बल्लेबाजों के पास समय था रन चुराने का। इस तरफ खिलाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ, जी हाँ, गर्मी में जो है वो इस तरह से देखने को मिलता है कि वहाँ पे मोच आई ज़रूर है खिलाड़ी को। तेज़ गर्मी में जो है मसल्स की प्रॉब्लम आती है आपको, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप गर्मी में खेलते हैं तो पसीना होता है, तो ऐसे में जो है जब आप डाइव लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होती है आपके लिए। 4 रन बने हैं, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ है। SBCL T20-21 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट। हर साल की तरह इस साल भी इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है और इस टूर्नामेंट का ये 8वां सीजन है और कंपनी जो है वो 60वां साल बना रही है। ये सेलिब्रेशन में इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है और ये कंपनी इस बार 2024 में जो है वो 60 साल की हो चुकी है। एक लंबा अनुभव, एक
कंपनी का रहा है, आप लोगों के साथ आपके मनपसंद हेलमेट बनाते हैं। अगर चंडीगढ़ में भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के सरों पर जो बाइक राइडर्स हैं उनके सरों पर जो है ज़्यादातर स्टील बर्ड्स के जो हेलमेट है वो नज़र आते हैं। कुछ खास बात है, स्टाइलिश बनाए जाते हैं आज के युवा, और आज के युवा पीढ़ी के मुताबिक जो है हेलमेट को डिज़ाइन किया जाता है। और इस बार अच्छी गेंद थी वहाँ पे, फिर से इस गेंद को खेला, शॉर्ट कवर के दिशा में खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया, किसी भी रन की संभावना को ख़त्म कर दिया गया। चार रन बने अभी तक बिना किसी नुकसान के। इस बार ऊंचा खेला इस गेंद को और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई। छह रन्स का इशारा अंपायर का भी आया। इस छक्के के साथ स्कोर की बात अगर करें तो एक और छह रन यहां पे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है, सही नसीहत दे रहे हैं यहां पे, खराब गेंदों का सही फायदा उठाते हुए बल्लेबाज, और इस गेंद को खेल दिया छह रन के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन बिना किसी नुकसान के। 1.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा था, लेकिन अब जाकर जो है दूसरे ओवर में यहाँ पर अच्छी खासी पिटाई करी है मोंटी को, और सचित नायर ने तीन गेंदों का सामना किया, अभी तक 12 रन्स बनाए हैं, और संदीप उनका साथ दे रहे हैं, छह गेंदों का सामना किया, चार रन्स बनाकर नाबाद हैं। और इस टूर्नामेंट में धन्यवाद करना चाहेंगे हम स्पॉन्सर्स का, YSC NSS और BDM का, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है। सिंगल के साथ स्कोर की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं कि उनके सामने एक अच्छा टारगेट है, उसका पीछा करना है। 170 रन यहां पर बनाना होगा हर हालत में। रन बनाना पड़ेगा यहां पे मैच को अगर आप जीतना चाहते हैं तो। 170 रन हर हालत में यहाँ पे बनाना पड़ेगा इस टीम को। काफ़ी तेज़ गर्मी है मैदान पे, और आप भी देख सकते होंगे स्क्रीन पे, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर इस मैदान पर गर्मी है और हल्की हल्की जो हवाएं वो भी चलती रहती हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 17 रन्स बने हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, मोंटी लेकर तैयार हो रहे हैं, अभी तक 13 रन खर्च किए हैं मोंटी की अगली गेंद। और इस बार हल्के से खेलना चाहते थे लेग साइड तरफ, लेकिन वहीं गेंद पहुंची लड़कती हुई, खुद विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, किसी भी रन की संभावना को ख़त्म किया। तो इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त हुआ। दूसरे ओवर में अच्छे खासे रन बने हैं, टोटल 17 रन हो चुके हैं और बिना किसी नुकसान के। सत्रह बिना किसी नुकसान के, दो ओवर पारी के समाप्त हुए हैं, और देखना होगा किसको गेंदबाजी के लिए बुलाया जाता है। 153 रन की ज़रूरत है, 114 गेंदों का खेल आना बाकी है। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पे, और इस बार आते ही वहाँ पे प्रहार किया है इस गेंद पर, और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जाकर गेंद को फील्ड किया गया,
तब तक बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। पंजाब रेडबैक्स की बात करें, 18 रन अभी तक बना पाए और कुल मिलाकर 2.1 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया है और गवाना भी नहीं चाहेंगे। वो जानते हैं कि अब पावर प्ले की शुरुआत जो है वो अच्छी काम आ सकती है उनकी। खराब गेंद का इंतज़ार भी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास 21 ओवर का मैच है और इस बार अच्छी गेंद वहाँ पे बिल्कुल विकेट कीपर के पास गेंद ज़रूर पहुँची, लेकिन बिल्कुल बल्ले के साथ से जाती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तक में। पंजाब रेडबैक्स और एक बार फिर से ऊंचा खेला है, लेकिन नो मैन्स लैंड में जाकर गेंद गिरी है। जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो किया जाता, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 19 बने हैं बिना किसी नुकसान के, 2.3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और सचित नायर की बात करें अभी तक 14 रन बनाए हैं, केवल 5 गेंदों का सामना किया है। दीपक ने 10 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाए हैं। पारी का कुल मिलाकर ये 3रा ओवर चल रहा है। इस बार इस गेंद को खेल दिया वहां पे, थ्रो वहां पे लगा, लेकिन तब तक आसानी के साथ बल्लेबाजों ने क्रीज क्रॉस कर चुके थे बल्लेबाज। आसानी के साथ बल्लेबाज ने क्रीज क्रॉस कर ली थी वहां पे, कोई नुकसान नहीं वहां बल्लेबाज को। सिंगल सिंगल के साथ आसानी के साथ रोटेट कर रहे हैं, लेकिन अब यहां पर एक और चौका लिख लीजिएगा। रन्स की यहां पर बौछार हो रही है और जिस तरीके से पावर प्ले में शुरुआत करी है, यहां पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत देखने को मिली है अभी तक, बहुत ही बढ़िया शुरुआत देखने को मिली अगर हम बात करें तो। सत्ताईस बने हैं बिना किसी नुकसान के, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है।
पंजाब रेडबैक्स का स्कोर 27 पहुंचा है और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ अभी तक उनका, अगर बात की जाए तो। इस बार गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है, चौके का इशारा अंपायर का आता हुआ। इस चौके के साथ काफी जल्दी से जो है स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस समय पंजाब रेडबैक्स की बात करें तो अभी तक बहुत बढ़िया स्टार्टअप किया है, यहाँ पे इसको जारी रखना चाहेंगे। चौंतीस बिना किसी नुकसान के अभी तक स्कोर की बात करें तो। चौंतीस रन बने हैं अभी तक। पैंतीस बिना किसी नुकसान के अगला ओवर शुरू। अच्छी गेंद थी इस बार, इस गेंद को खेल दिया वहां पे। अगली गेंद वहां पर फिर से चकमा दिया था बैट्समैन को इस बार विकेट कीपर ने, लेकिन विकेट कीपर जानते हैं कि बल्लेबाज का पिछला पांव जो है वो क्रीज में मौजूद है, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी तक 35 रन बना है और इस बार वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर पहुंचा है 36 बिना किसी नुकसान के। 3.4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। SBCL T20-21 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, हर साल की तरह इस साल भी इस मैदान पे इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया है YSC NSS और BDM ने, जो इस टूर्नामेंट को चलाने में ताउन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का श्रेय जो है हमारे MD सर को जाता है, मिस्टर राजू कपूर और उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। ये बेहतरीन टूर्नामेंट है और हर साल की तरह इस साल भी फ्लाइट डिलीवरी थी। इस बार ये गेंद मिड विकेट की तरफ आएगी, क्षेत्र रक्षण बाउंड्री लाइन के करीब है, वहाँ पे गेंद को फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। स्कोर पहुँचा है 38 रन बिना किसी नुकसान के। 4 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है। संदीप ने अभी तक 14 गेंदों का सामना किया, 7 रन बनाए। सचित नायर ने अभी तक 10 गेंदों का सामना किया है, 23 रन बनाकर नाबाद हैं। नंदलाल शर्मा ने अभी तक कुल मिलाकर 1 ओवर डाला है, 10 रन दिए, कोई विकेट, कोई सफलता उनको हासिल नहीं हुई है। पंजाब रेडबैक्स की बात करें तो 38 रन बनाए अभी तक बिना किसी नुकसान के, कोई विकेट अभी तक खोया नहीं है उन्होंने। एक अच्छी पारी यहाँ पर देखने को नजर आ रही है फिलहाल।
पंजाब 61 बिना किसी नुकसान के। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी छठा ओवर पारी का इस समय देखने को मिल रहा है और 61 रन बने हिमांशु ने अभी तक। और जिस तरीके से अभी तक रन्स बने, 18 गेंदों का सामना किया संदीप ने, 23 रन्स बनाए अभी तक। और जिस तरह से यहां पर रन्स बन रहे हैं, और इस बार इस गेंद को ऊंचा खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, किसी भी रन्स की संभावना को खत्म किया। अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तक जो शुरुआत यहां देखने को मिली है, उसको आगे कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे यह अभी फिलहाल समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इस समय बात की जाए तो एक अच्छे टारगेट का पीछा करने उतरे थे, लेकिन अभी तक अच्छी खबर ये है कि आपने कोई विकेट गवाया नहीं है। जब आप विकेट नहीं गवाते हैं तो फिर समझ लीजिएगा आप मैच में हैं अभी। और इस मैच में जो है, अगर जिस तरीके से यहाँ पर रन बन रहा है, अगर थोड़ी देर और यहाँ पे चलता रहा तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे ये मैच जीतना। चंडीगढ़ टाइटंस के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच होती हुई। इस बार इस गेंद को खेला ऑन साइड की तरफ, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद, गेंद को फील्ड किया। कुल मिलाकर जिस तरह से आज स्टार्टअप लिया है, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया है। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ, इस गेंद को ढकेला जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाता बल्लेबाजों के पास, समय था, मौका था रन चुराने का। हाल ही में अगर बात करें तो अब जो है मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, क्योंकि अब कश्मीर का सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है क्रिकेट का। इसके बाद हम ज़रूर आपको नज़र आएंगे इस टूर्नामेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू कश्मीर में। BCPL सीज़न 2 पहला सीज़न हमने किया था, दूसरा भी हम करने जा रहे हैं। और अभी तक इस इवेंट की बात करें तो वीकली इवेंट है, क्योंकि थोड़ा सा मैदान जो अपन है थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आता है लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हमें थोड़ा सा स्पेस दिया यहाँ पे अपने घर में, जहाँ से हम लाइव आपको आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन यहाँ जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ओपन में जो है मैदान होता फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरास जो है वो धूप में रखने पड़ते हैं और क्योंकि यहाँ पर अब अच्छी खासी गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी इस मैदान पर। आने वाले मैचेस में और भी अच्छी गर्मी देखने को मिलेगी।
एक और चौका यहाँ पे, जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा, अभी तक विकेट नहीं गया है, अच्छी बात है। यहाँ पे विकेट नहीं गया तो फिर आप रन बनाएंगे फिर से, सिंगल के लिए वहां पर मिस फील्ड हुआ है, थ्रो आ रहा है नांस स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, थ्रो आया लेकिन वहां पे जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, वापस थ्रो किया जाता, आसानी के साथ बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। अगली गेंद, और इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को सम्मान दिया, सामने की ओर खेला, किसी भी रन की संभावना को ख़त्म किया। SBCL T20 सीजन 1 पावर्ड बाय स्टील बॉर्ड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट, और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है और इस टूर्नामेंट का ये 8वां सीजन लगातार चल रहा है। और बात करें तो कंपनी जो है वो 60वां साल यानी सेलिब्रेशन जो है बना रहा है, और कंपनी को जो है लगातार आपके बीच, हम सब के बीच जो है 60 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, और अभी तक जिस तरीके से आपका साथ रहा है, इस टूर्नामेंट की बात करें या फिर जो सहयोग रहता है स्पॉन्सर्स का, YSC और NSS, और इस बार ऊंचा खेला है, विकेट की तलाश थी, विकेट मिला है यहाँ पे, और ये विकेट यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ से आगे किस तरह से बल्लेबाजी होगी, क्या कोई और विकेट यहाँ पे गिरेगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे विकेट मिला है, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, और नुकसान पे, दो विकेट के नुकसान पे 80 रन बना अभी तक, दूसरा खिलाड़ी भी आउट हो।
अपने बल्लेबाज हैट्रिक बॉल ने अजय भारद्वाज एक बार तो फिर से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में। हालांकि उनकी इकोनॉमी देखा जाए तो पहले ओवर में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन दे दिया था, एक ओवर एक गेंद में 23 रन, लेकिन जिस तरीके से पिछले मैच पलटा है एकदम से, जहां पे एक समय पंजाब रेडबर्ड्स के लिए टोटल बहुत ही आसान लग रहा था 6 गेंदों में 3 विकेट खोकर निश्चित तौर से वापसी का मौका दिया है, यहां पर एक बार फिर से हवा में है, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज बात की जाए। जी हाँ, एक समय जो निश्चित तौर पे ये चीज बहुत ही आसान लग रहा था, एक मौका दे दिया पंजाब रेडबैक्स ने चंडीगढ़ टाइटंस को इस मैच में, और बहुत ही अच्छे 2 कैच बहुत ही अच्छे पकड़े गए चंडीगढ़ टाइटंस के द्वारा। तो अगर ऐसे ही बॉलिंग होती हुई थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 ओवर और अच्छा चला गया तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो कभी भी 8 के ऊपर चला गया तो मुश्किल यहाँ पे बन सकता है। बट अभी पंजाब रेडबैक्स को जरूरत है थोड़ी सी एक छोटी पार्टनरशिप बनाने की, ताकि जो लगातार विकेट गिरे हैं उसका यहां पर भरपाई कर किया जा सके।
a very good delivery, softly handed, placed ball into the third man region without any run. That's a very good over by Mr. Bharadwaj. ये गेंद अच्छी गेंद स्विप कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में, उसके पीछे फील्डर भाग रहे, देखना है रोक पाएंगे कि नहीं। और एक अच्छी फील्डिंग वहाँ पर नरेंद्र के द्वारा, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने दौड़ के दो रन पूरा कर लिया था। ऐसे धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समय बिताना होगा दोनों बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, अजय भारद्वाज के ओवर की समाप्ति होती हुई 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंच गया है पंजाब रेड बैक का 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, नरेंद्र सैनी आए हैं गेंदबाज, जो कि एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, ज्यादातर विश्वास करते हैं अपने आम बॉलों पे काफी ज्यादा। उनके सामने बल्लेबाजी करेंगे हर्ष। हर्ष के लिए विकेट कीपर के साथ कोई स्लिप नहीं, थर्ड मैन पॉइंट कवर जो कि बाउंड्री लाइन पे एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर और डीप मिड विकेट। सो ये 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे, 4 खिलाड़ी सर्कल में। सुखना लेग छोर से गेंदबाजी करेंगे सामने हर्ष। 9 ओवर में 88 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। नरेंद्र इस मैच में पहली बार, और बहुत ही अच्छी गेंद, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई फाइन लेग के क्षेत्र पे, फील्डर मौजूद है वहां पे, कोई रन नहीं मिलेगा। एक अच्छी गेंद से शुरुआत की है नरेंद्र ने, निश्चित तौर पे अगर यहां से थोड़े से 2-4 ओवर अच्छे निकल गए चंडीगढ़ टाइटंस के लिए, तो पूरी तरीके से एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर। नरेंद्र वन मोर टाइम लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट टू द बैट्समैन हर्ष। ये गेंद हवा में खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। एक बेहतरीन शॉट, एक कहा जाएगा प्रेशर रिलीज शॉट हर्ष के बल्ले से, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, इसकी बहुत ही जरूरत थी पंजाब रेड बैक्स को यहाँ पर। थोड़ा सा ऊपर गेंद किया, पाले पे गेंद किया गया, जिसको कहते स्लॉट में बॉल किया हर्ष के, और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बुना बल्लेबाज हर्ष ने। अच्छी गेंद, हल्के बल्ले से खेला, गेंद जा रही है मिड ऑन के क्षेत्र में, दौड़कर खुद से पकड़ा नरेंद्र ने बगैर कोई रन के लिए। एक अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ पर दोनों टीमों के लिए। अगर यहाँ से चंडीगढ़ टाइटंस 1 या 2 विकेट और लेने में सफल हो जाती है तो निश्चित तौर पर मैच में अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब रेड बैक्स को देखना होगा यहाँ से एक छोटी सी पार्टनरशिप बढ़ाने में। ये गेंद छोटी गेंद कट किया, गेंद जा रही डीप कवर के क्षेत्र में 1 रनों के लिए, और इसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र सैनी ने जो चौका छोड़ा था ये स्वाद खुद ही चखा है कि चौका छोड़ने पे बॉलर को कैसा फील होता है। एक बहुत ही खराब फील्डिंग का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर 1 रन होने चाहिए थे वहां पे 4, अगर देखा जाए तो 6 रन यहाँ पर जो फील्डिंग से बच सकते थे, अभी स्कोर 90 होता। लेकिन इस चौके की मदद से पंजाब रेड बैक्स तो रन आने चाहिए, चाहे जहां से आए वो लेना मंजूर करेगी। स्कोर बढ़कर हो चुका है 96। नरेंद्र ये गेंद कट कर दिया है, एक और चौका मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही चतुराई के साथ खेला हुआ शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पे 4 रन। गति का प्रयोग किया है, दिशा दी अपने बल्ले से, पता था इनको कि कोई फील्डर बाउंड्री लाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन पे नहीं है, और उसका पूरा फायदा। एक बहुत ही अच्छा ओवर पंजाब रेड बैक्स के लिए, शायद इसी की उन्हें जरूरत थी। नरेंद्र इस ओवर में आखिरी बार, ये गेंद यहाँ पर रन आउट का मौका हो सकता है, एक अच्छी फील्डिंग की जरूरत है, डायरेक्ट हिट, और ये यहाँ पर 1 रन पूरा किया, एक बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट।
ओवर की समाप्ति होती हुई नरेंद्र के 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 101 चार विकेट के नुकसान पर। अजय भारद्वाज एक बार फिर से इस ओवर और ये अपील यहां पे रन आउट का मौका डायरेक्ट हिट और ये आउट। LBW की अपील थी लेकिन रन लेना चाहते थे। ये देखिए एक और T20 में मैच कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। यहां पर रन आउट का रिव्यू जरूर लिया हुआ है हर्ष ने। यहां पे देखना चाहते हैं क्या वो रन आउट है। थर्ड एम्पायर की तरफ गेंद जाती हुई रिव्यू यहां पर होगा रन आउट का। सबकी निगाहें कैमरे पे देखना चाहेंगे कि क्या ये रन आउट है कि नहीं। डायरेक्ट हिट अभी भी थर्ड एम्पायर पे निगाहें। और ये आउट आउट यहाँ पर दिया है थर्ड एम्पायर ने। आउट दे दिया है आउट दे दिया है आउट है आउट है आउट आउट दिया है आउट है आउट थर्ड एम्पायर पे आउट दिया है। SBCL टूर्नामेंट में ही ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। जिस तरीके से थर्ड एम्पायर ने चेक किया रन आउट का कैमरे के एंगल से साफ लगा बल्लेबाज कम से कम 2 या 3 इंच बाहर थे पॉपिंग क्रिज से अपने क्रिज से और एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्ट हिट। अगर बात की जाए आज के मैच की तो अजय भारद्वाज का खासा योगदान रहा। एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा इन्होंने उसके बाद एक रन आउट और विकेट। निश्चित तौर पर चंडीगढ़ टाइटन्स की मैच में वापसी कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इनका।
नए बल्लेबाज आते हुए, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी। चंडीगढ़ टाइटंस की बात की जाए तो गेंदबाजी इस समय अच्छी होती थी। पंजाब रेडबैक्स के लिए रन रेट कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जिस तरीके से संदीप भट्टाचार्य ने शुरुआत दी थी, एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत थी कि रन रेट का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अभी ज़रूरत है पंजाब को थोड़ा सा यहाँ पर विकेट पर समय बिताना होगा, उनके बल्लेबाजों को थोड़ा मैच को और डीप ले जाना होगा अगर इस मैच में वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि रन रेट इज़ नॉट एन इशू हियर। नए बल्लेबाज आए राकेश, राकेश के लिए ये गेंद और सीधा एक्स्ट्रा कवर फील्डर के पास बगैर कोई रन के लिए। तो अजय भारद्वाज ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय। ये गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, चाहते थे बल्लेबाज को ललचाया यहाँ पर, चाहते थे बल्लेबाज शॉट के लिए, यहाँ पर मिस फील्ड हुई। रन आउट का एक और मौका यहाँ पर, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। दो रन यहाँ पर मिलते हुए राकेश को, जो ये फील्डिंग से गेंदबाजी एंड में परिवर्तन होता हुआ यहाँ पे, अब एक इस समय नए गेंदबाज आते हुए मोंटी भी एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। ये गेंद अच्छी गेंद लेग स्टंप पे जा रही है, यहाँ पे एक अच्छी फील्डिंग डायरेक्ट हिट, लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पर। एक रन बहुत ही आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, राकेश और हिमांशु को। अब यहाँ से चंडीगढ़ टाइटन्स के लिए, माफ़ कीजिएगा, पंजाब रेडबैक्स के लिए मैच को थोड़ा और डीप ले जाना होगा। साथ ही मोंटी एक बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे आईटी पार्क छोर से। ये गेंद अच्छी गेंद और पढ़ के बॉल थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, टर्न मिलता हुआ यहाँ पर मोंटी को, एक उछाल सा प्राप्त हुआ, टर्न बाउंस बोथ और बल्लेबाज डिफेंस करना चाहते थे बाहरी किनारा बगैर कोई रन के। और इस पर अच्छी गेंद, सीधी पहुंची गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक सौ छह बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे इस समय स्कोर। और अगर बात की जाए तो पंजाब रेडबैक्स ने अभी तक 5 विकेट गंवाए हैं। एक समय में ऐसा लग रहा था कि जब कोई विकेट गिर नहीं रहा था, अब लगातार पंजाब रेडबैक्स के जो विकेट हैं वो लगातार गिरते चले आ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो 11.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 107 बने हैं 5 विकेट के नुकसान पे इस समय स्कोर अभी तक। अगली गेंद, इस बार इस गेंद को खेल दिया जब तक गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते बल्लेबाजों के पास मौका चुराने का।
जहां पर बात की जाए तो पंजाब रेड बैक्स ने अभी तक बनाए हैं केवल 108, पांच खिलाड़ी जो उनके आउट होकर वापस लौट चुके हैं पवेलियन में। राकेश कुमार 6 गेंदों का सामना किया है, कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 3 रन बनाए हैं और उनका साथ दे रहे हैं वहां पर हिमांशु जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है, 12 रन बनाकर नाबाद हैं। हालांकि SBCL की बात अगर हम करें तो इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, इस गेंद को खेल दिया, वहां पे गेंद गई है सीधे साइड स्क्रीन की ओर, 4 रन का इशारा मिलेगा अंपायर के द्वारा। इस चौके के साथ स्कोर की संख्या जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई पहुंच चुकी है। अगर बात करें तो अभी तक जिस तरीके से स्कोर बना है यहाँ पे, एक अच्छा टारगेट उसका पीछा करने के लिए यहाँ पर उतरे। SBCL T20-21 सीजन 8 पावर्ड बाय स्टील बॉड वर्ल्ड नंबर 1 हेलमेट, यह 8वां सीजन इस टूर्नामेंट का है और इसका श्रेय जो है इस कंपनी को जाता है, MD सर को जाता है। और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, किसी के पास कोई मौका नहीं है, गेंद जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। किस तरह से इस गेंद को स्वीप किया, एक टांग नीचे रखी, फिर बल्ले का मुंह खोला और गेंद को जाने दिया सीमारेखा से बाहर। इस बार फिर से सम्मान दिया, खेलते ही दौड़ पड़े रन बनाने के लिए और आसानी के साथ रन बना लिया जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। अगली गेंद इस बार सम्मान दिया, अपने से दूर ढकेला गेंद को, अभी भी 52 रन चाहिए, 49 गेंदों का खेल आना बाकी है। अगर विकेट नहीं जाता यहाँ पे तो ये आसान हो जाएगा, आसान रहेगा ये मैच। इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाए, तब तक बल्लेबाजों के पास मौका था रन चुराने का। स्कोर पहुँच चुका है इस समय 119, 5 विकेट के नुकसान पर। पंजाब की बात करें तो आज 119 बनाए, पहले शुरुआत में लग रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से रन्स बन रहे थे विकेट नहीं गिर रहा था, एक ही ओवर में जिस तरीके से 3 विकेट गिरे उसके बाद ये कार्रवाई चलती रही, तो अब यहाँ पर 1-2 विकेट और चाहिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो रन्स की रफ्तार है वो ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 48 गेंदों का खेल आना बाकी है, 51 रन सभी की दरकार है यहाँ पर मैच जीतने के लिए। अगली गेंद इस बार सम्मान दिया, फिर से गेंद की फ्लाइट को ख़त्म किया वहाँ पे, अपने से दूर ढकेला, किसी भी रन्स की संभावना को ख़त्म किया सेट रक्षण ने। स्कोर की बात की जाए तो अभी तक 119 पर ही टिका हुआ फिलहाल। इस बार इस गेंद को खेल दिया है कमेंट्री बॉक्स की जानिब, कोई खिलाड़ी वहाँ मौजूद नहीं है और गेंद हमारे बिल्कुल सामने आती हुई 4 रन्स के लिए। एक और चौके के साथ काफी तेजी के साथ जो है स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पांच विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर पहुंचता हुआ, 13.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ अभी तक। और इस बार क्लीन बोल्ड हो गए वहां, जैसे वहाँ कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था बल्लेबाज का और मिस किया और सीधे जाके उनके स्टंप्स पे टकराई गेंद
और ये सातवां खिलाड़ी आउट होकर वापस लौटता हुआ पवेलियन में। अगली गेंद हल्का सा उछाल और गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला, जब तक विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करते वापस थ्रो करते, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। अभी भी 125 6 विकेट के नुकसान पर अभी अभी एक और विकेट आउट होकर वापस लौटा था, क्योंकि बल्लेबाज क्लीन बोल्ड हुए थे वहां पर। वहीं पर स्थितियों में कुछ ये बल्लेबाज भी नज़र आते हुए 45 रन की दरकार, अभी भी 6.75 की औसत के साथ रन चाहिए अभी मैच जीतने के। इस बार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, शतरक्षण उस तरफ मौजूद, गेंद को फील्ड किया, दबाव महसूस कर रही है पूरी तरह अगर हम बात करें यहाँ पंजाब की टीम तो। और इस बार फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल आसानी के साथ बल्लेबाजों ने बना लिया। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। अगली गेंद इस बार कवर की तरफ ढकेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वापस थ्रो किया जाता
काफ़ी तेज़ी के साथ बल्लेबाजों ने रन चुरा लिया। 126 और ये लीजिएगा, ये गेंद हवाई फायर था, हवाई यात्रा पे भेजा है गेंद को और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर। 6 रन देकर जाएगी यहाँ पे, 6 रन देकर जाएगी ये। ये छक्का काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ इस ओवर में, ये छक्का जो है ये काम आएगा यहाँ पे पंजाब के लिए। छोटी गेंद थी और आंखों में ही जो है पढ़ लिया था बल्लेबाज ने और उसको जड़ दिया, सीधे सामने गई है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इस छक्के के साथ 132, 6 विकेट के नुकसान पर 38 रन चाहिए। 36 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। पंजाब रेडबैक्स की बात करें, 132 6 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर पहुंचता हुआ। छत्तीस गेंदों का खेल अभी आना बाकी और इस बार विकेट कीपर चूके हैं, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी 4 रन के लिए। एक और चौका यहां पे लिख लीजिएगा, हल्के से वहां पर इस गेंद को ढकेला, जानते थे कि गैप में जाएगी गेंद तो काफ़ी सारे रन देकर जाएगी, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पे। जी हाँ, काफ़ी सारे रन यानी 4 रन देके गई। 136 हो चुके हैं, अब 34 रन चाहिए, 35 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। राकेश कुमार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच और इस बार फिर से इस गेंद को लॉन्ग लेग की तरफ मोड़ा, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 136 बने अभी तक 6 विकेट के नुकसान पे, 35 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। 34 रन की ज़रूरत होगी यहाँ पे मैच अपने नाम करने के लिए। इस बार ऊंचा खेला इस गेंद को, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों के पास समय था रन चुराने का। पंजाब रेडबैक्स की बात करें तो आज इस मैदान पे कौन सी टीम जीतेगी ये बताना बहुत मुश्किल है। हल्के हाथों से खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वापस थ्रो किया जाए, बल्लेबाजों के पास मौका रन बनाने का। एक सौ 139 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन चाहिए अभी मैच जीतने के लिए। पानी के बहाने कुछ मैसेज ज़रूर यहां पे आया होगा और क्या मैसेज होगा ये अभी समय बताएगा। फिलहाल 139 हो चुके हैं, 16 ओवर का खेल फिलहाल समाप्त हो चुका है। 16 ओवर में 139 बने अभी तक 6 विकेट के नुकसान पे, 6.20 की औसत के साथ यहाँ पे रन्स चाहिए मैच जीतने के लिए। 30 गेंदों में 31 रन्स की दरकार होगी
यहाँ से आगे इस मैच को जीतने के लिए। फिलहाल यहाँ देखना होगा कि अभी जो शुरुआत है यहाँ उसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। एक सौ उनतालीस 6 विकेट के नुकसान पर अभी तक स्कोर पहुंचा है। पंजाब रेडबैक्स की बात करें तो एक सौ चवालीस 6 विकेट के नुकसान पे 16.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है अभी तक। पंजाब की बात करें तो 144 अभी तक बनाए हैं 6 विकेट के नुकसान पे और ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है नहीं अभी। और यहाँ पर 26 रन की ज़रूरत है, 28 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। देखना होगा किस तरह से रन्स यहाँ पे बनाते हैं, ये तो अभी फ़िलहाल समय बताएगा। अगली गेंद इस बार इस तरीके से आज यहाँ पे देखने को मिला है, जो खेल हुआ है बहुत ही बढ़िया खेल का मुजाहरा देखने को मिला है।
और एक और चौका यहाँ पर लिख लीजिएगा। इस चौके के साथ स्कोर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ और जीत के नज़दीक यहाँ पे पंजाब को पहुँचाता हुआ। कुल मिलाकर अभी अगर बात की जाए तो अब काफ़ी कम रन का फैसला, यानी 24 गेंदों में 21 रन चाहिए यहाँ पे मैच जीतने के लिए। यहाँ से जीतना चाहिए, यहाँ से जीतना जो है वह आसान है पंजाब के लिए। जिस तरीके से अभी तक इन्होंने खेला है, बहुत ही बढ़िया खेल का मुजाहरा देखने को मिला अभी तक। और यहाँ से आगे देखना होगा किस तरह से आगे लेकर जाएंगे इस मुकाबले को। 149 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर, 17 ओवर्स का खेल समाप्त हुआ है अभी तक। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। विकेट चाहिए यहाँ पे हर हालत में। इस बार अच्छी गेंद थी वहाँ पे, जब तक हाँ जी162 6 विकेट के नुकसान पे। हल्के हाथों खेला, जानते हैं खिलाड़ी काफी दूर हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, वापस थ्रो किया जाएगा, बल्लेबाजों के पास मौका रन चुराने का। 163 6 विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर पहुंचता हुआ। सात रन दूर हैं, 7 रन चाहिए यहां मैच जीतने के लिए। एक 163 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दूसरा मैच खेला जाएगा तुरंत इस मैच के खत्म होने के बाद। 163 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर पंजाब रेडबैक्स की बात करें तो। गेंदे, 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन सुरक्षित जगह पर गेंद को खेला, कोई नुकसान नहीं। अब फिलहाल ये मैच यहाँ पे पंजाब रेडबैक्स की टीम जो है जीतती हुई नज़र आ रही है। 18 गेंदों का खेल अभी आना बाकी है। 18 गेंदों में
सात रन्स चाहिए, अभी 17 गेंदों में 7 रन्स की ज़रूरत है यहाँ पे ये मैच अपने नाम करने के लिए। एक 163 बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर, 18.2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। इस बार ऊंचा खेला है इस गेंद को और गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर। अगली गेंद इस बार प्रहार किया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुकी है और इसके साथ ही ये मैच यहाँ पर पंजाब ने अपने नाम किया है और चंडीगढ़ टाइटंस को आज मात दी है। यहाँ पे चंडीगढ़ टाइटंस ने बनाए थे 169-170 का टारगेट दिया था, हमने कहा था कम से कम इस मैदान से मैदान पे 190 रन्स की जो है आवश्यकता रहती है और चाहिए होगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ फिलहाल टूर्नामेंट को इस मैच को अपने नाम किया है पंजाब रेडबैक्स विन बाय 4 विकेट। ज़रूरत है यहाँ पे ये मैच जीतने के लिए, ज़रूरत थी यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।